So, हेलो गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे। कल पावर फेल्योर की वजह से वी कैन नॉट कंडक्ट द लेक्चर, सो सॉरी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल मैंने थोड़ा सा पावर फेल्योर का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। सो ये समझ में आया कि दे आर वर्किंग इन दिस ग्रिड स्पेसिफिकली, और कल वो डीपी का कोई तो भी सिचुएशन क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने पावर फेल्योर किया। फिर मैंने उनसे पूछा तो ये कब तक चलेगा, तो बोले कि ये बीच में काम शुरू हुआ अगले 4-5 दिन तक, तो कभी भी लाइन जा सकती है। ये बहुत बुरी बात है, ठीक है, किसी ने तो भी नजर लगाई है, बट ठीक है, जहाँ तक पावर है हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट फटाफट आज सबसे पहले मैनेजर रेमुनरेशन हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में हम सेबी और सिकरा कंप्लीट करेंगे। 5-1 मिनट वेट कर लेते हैं, कितने स्टूडेंट्स आते हैं उनको देखते हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, हेलो एवरीवन। सो रामस्वरूप, साजिद, रूही, प्रिंसेस, चंदन, विनी, धर्मेश, साई, तुषार, नेहा, शुभम, सुमित, शुभम, मिस सीए, महिमा, परिन, पार्थ, भुवन, अभिरुचि, शाह, एवरीबडी हाय, आशा, वभिका, ऋषि, अच्छा ऋषिका, सॉरी, उज्ज्वल, नीनू, आगे सबको मेरे तरफ से हाय, बहुत बड़ा हाय सबको, ठीक है। चलो हम सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है, इट्स टाइम। सो आज हम जाने वाले हैं मैनेजरियल पर्सन एंड हिज रेमुनरेशन चैप्टर के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि मैनेजरियल पर्सन एंड हिज रेमुनरेशन में से कुछ सेक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर है सेक्शन 196 से लेकर सेक्शन नंबर 205 तक, जिसमें से हम 196 खत्म कर चुके हैं। हम दूसरा सेक्शन नंबर दैट इज 201 खत्म कर चुके हैं, क्योंकि 196 से रिलेटेड ही है, और फिर उसके बाद में हम 203 कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? सो इसमें से 198 जो है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी अगर फाइनल लेवल पे आके मैं आपको ये समझाऊं कि प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो फिर तो सीधी बात है कि बात खत्म ही हो गई। क्लियर है सब सबको? हाँ, है ना। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आपने पढ़ना है, ठीक है, बचे हुए सेक्शन यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना, लेट्स गो। सो आज 200 ही लोग बचे हैं रिवीजन के लिए, टेंटेटिवली ऐसा दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम पढ़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सल्ट करना। सबसे पहले मैनेजरियल पर्सन रेमुनरेशन में जो लोग देख रहे हैं अभी, जिन्होंने अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन नहीं देखा, तो याद रखना बच्चों, सबको बोल दो 196, 201 और 203, ये तीन सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन के रिविजन में। तो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन के रिविजन में देखना, वहां पूरे डिटेल में कवर्ड है, यहाँ पे वो वापस से कवर अप नहीं होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 197 के साथ में, जो है मैनेजरियल रेमुनरेशन का। मैनेजरियल रेमुनरेशन ये भी अच्छा, मैसेज करना बंद कीजिए, हाय हेलो वगैरह, ठीक है, तो मैसेज वगैरह करना बंद कीजिए। वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन। अगर आप कोई क्वेरी है तो सिर्फ वही पुट कीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। मैनेजरियल पर्सन एज रेमुनरेशन इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ, है ना। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेमुनरेशन, सेकंड नॉन एग्जीक्यूटिव का। काफी सारे अमेंडमेंट इसके रिगार्डिंग आए हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन नॉर्मली बेस्ड ऑन प्रॉफिट होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेमुनरेशन ये बेस्ड ऑन प्रॉफिट और सेटिंग फीस दोनों तरीके से होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी सेटिंग फीस मिलती है, दैट इज
एज पर आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलता है, इसलिए मैं मानता हूं, वरना मैं लॉजिकली इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलनी चाहिए. क्यों मिलनी, क्यों नहीं मिलनी चाहिए ऐसा मेरे को लगता है. इसके पीछे रीजन ये है कि वो दिन भर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, अब अलग से क्या उनको बैठने के लिए अलग फीस देंगे. उनका रेमुनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के टोटल रेमुनरेशन के 5 टाइम्स होता है. नॉन एग्जीक्यूटिव को आप 1% देते हो, सभी गरीबों में बांटते हो, सभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में. एग्जीक्यूटिव को आप 5% एक ही डायरेक्टर को देते हो. तो मुझे नहीं लगता इनको सिटिंग फीस देना चाहिए, पर एज पर आईसीएआई इनको सिटिंग फीस मिलता है तो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है कांसेप्ट? सो अब इसके अंदर मैं नॉन एग्जीक्यूटिव पहले फिनिश कर दूं. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेमुनरेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड, पहला है बेस्ड ऑन प्रॉफिट, दूसरा है सिटिंग फीस. सिटिंग फीस मैक्सिमम आप पे कर सकते हो 1 लाख. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इससे कम सिटिंग फीस बोल सकता है, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इससे ज्यादा सिटिंग फीस बोल नहीं सकता. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन टेल द लोअर लिमिट, और वो लोअर लिमिट आपको फॉलो करनी पड़ेगी. सिटिंग फीस कैन ऑल्सो बी पेड इन द केस ऑफ लॉस, ये चीज को आपने याद रखना है. तीसरा एक पॉइंट आपने एडिशनल याद रखना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एज पर आईसीआई सिटिंग फीस पे किया जाएगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये चीज को याद रखना. और चौथा पॉइंट आपने याद रखना है, दैट इज एडजन ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग एंड एडजन बोर्ड मीटिंग, इन दोनों के लिए एक ही सिटिंग फीस मिलता है. ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग ओबीएम, एडजन बोर्ड मीटिंग एबीएम, इन दोनों के लिए एक ही सिटिंग फीस मिलता है, दो अलग अलग सिटिंग फीस नहीं मिलते हैं. क्लियर है? बेस्ड ऑन प्रॉफिट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सबको पता है, इन केस ऑफ लॉस नॉर्मल रेमुनरेशन नहीं दिया जाता. इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट हम रेमुनरेशन दे सकते हैं 1% और 3%. 1% अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सभी नॉन एग्जीक्यूटिव मिला के 1%, लेकिन कंपनी में एग्जीक्यूटिव नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव पे वर्कलोड आएगा, इसलिए 3% रेमुनरेशन हम उसको दे सकते हैं. क्लियर है? इन केस ऑफ लॉस नहीं दे सकते. पर इस सिचुएशन में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको लॉस में रेमुनरेशन देना है, अगर आपको मोर देन 1% रेमुनरेशन देना है या मोर देन 3% रेमुनरेशन देना है डिपेंडिंग ऑन द केस लॉ, ठीक है, या फिर आपको सिटिंग फीस देना है मोर देन 1 लाख, तो ऐसे सभी सिचुएशन में जनरल मीटिंग का अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, कौन सा रेजोल्यूशन स्पेशल, तो आप ये दे सकते हो. अब मैंने स्पेशल बोला, लेकिन कई जगह पे बेयर टेक्स के अंदर इसको इन्होंने जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी बोल के रखा है, तो एग्जाम में नियरली आईसीआई के हिसाब से आपने ऑर्डिनरी देखना, ये कंफ्यूजिंग ही है. सर ये मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये कंफ्यूजिंग ही है, क्योंकि देखो जाए तो हम एक्सीडिंग रेमुनरेशन देने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करते, हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं लॉजिकली, क्योंकि नॉर्मल रेमुनरेशन के लिए तो ऑर्डिनरी पास करते हैं. जब डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही हम उसको रेमुनरेशन देते हैं. तो ये चीज को आपने याद रखना है कि एक्सीडिंग रेमुनरेशन के लिए स्पेशल लगना चाहिए, पर बेयर टेक्स्ट के अंदर ऑर्डिनरी लिखा है तो मेरे को भी ऑर्डिनरी लिखना पड़ेगा, आईसीआई के हिसाब से भी आपको ऑर्डिनरी ही लिखना पड़ेगा. तो ये चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना, पर वैसे इसको स्पेशल लगना चाहिए, लॉजिक भी याद रखना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जब आप काम करते हो उस वक्त आपका नॉलेज काम में आता है, आईसीआई क्या बोलता है ये वर्क नहीं करता, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना. क्लियर है कांसेप्ट? ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर मैं जा रहा हूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेमुनरेशन. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेमुनरेशन इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट. इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट सबको पता है 5% और 10%, और अगर आपको 5% से ज्यादा या 10% से ज्यादा रेमुनरेशन देना है तो ऐसे सिचुएशन में अगेन जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी बोला गया है आईसीआई की तरफ से, यहां पे भी मोर देन 10% देना है, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी ही बोला है. यह बात मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, अथू, पर कर नहीं सकता मैं कुछ, क्योंकि मेरी कौन सुनता है, ठीक है, मैं तो टीचर हूं, ठीक है, आईसीआई ज्यादा होशियार है. लेट्स गो. इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट एज पर कंडीशन नंबर ए एंड एज पर कंडीशन नंबर बी, दो कंडीशंस आपको कंप्लाई करने हैं, जिसमें से कंडीशन नंबर ए है, जिसके अंदर 4 कंडीशन है, जिसको आप लॉस के केस में रेमुनरेशन दे रहे हो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करने वाला बंदा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए. प्रोफेशनल का यहां पे एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. जब मैं कहता हूं इंडिपेंडेंट तो मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडिपेंडेंस का 1496 कंप्लाई करो, नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरा मतलब यह है कि वो प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग वो बायस्ड नहीं करना चाहिए, नॉन बायस्ड होना चाहिए, ये मेरा मतलब है इंडिपेंडेंट का यहां से. क्लियर है? प्रोफेशनल का मतलब ही वो होता है जो सही समय पे सही चीज करे. क्लियर है? दूसरी चीज, नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब यहां पे 0.5% तक के अलाउ किया गया है इंटरेस्ट इन द कैपिटल होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट किसी भी कंपनी के अंदर. नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशंस विद द डायरेक्टर्स और द प्रमोटर्स और द कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स बिफोर द सेम. क्लियर है? पिछले 2 साल में, यह थोड़ा सा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा दिखेगा, कि लास्ट 2 साल में आपका किसी भी सिचुएशन में कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी हमने नियरली सिमिलर देखा था. क्लियर? ये भी इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब नॉन बायस चीज जो मैंने यहां पर एनफोर्स की उसी को यहां पर प्रूफ किया जा रहा है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. और सबसे आखिरी चीज, वो
बीकॉम होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम लेवल का, बीकॉम लेवल का बंदा होना चाहिए। जिंदगी के अंदर इनको दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिला, ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम बीए कोई भी, ग्रेजुएशन का डिग्री रहा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो। तुम बीकॉम हो क्या सब लोग? पक्का बीकॉम हो, लिखो कमेंट में, आप बीकॉम हो तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। सीए भी है, सीए के कोई औकात है? आगे तो ये चीज होने के बाद में अगली चीज ये हुआ कंडीशन, नहीं सीए की वैसे बहुत औकात है, मेरे को ऐसे घूर के मत देखना, मैं सीए ही, ठीक है। सो नेक्स्ट कंडीशन आता है, दैट इज कंडीशन नंबर बी, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, कंडीशन भी एंड है, ए और बी दोनों कंप्लाई करोगे तो काम होगा। ए में ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं तो ए में वो क्वालिफाइड और प्रोफेशनल होना चाहिए, क्वालिफाइड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट, ये तीन आपने वर्ड याद रखना, क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए ए में, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। बी के अंदर तुम्हारे कंपनी की कैपेसिटी होनी चाहिए रेमुनरेशन पे करने की, मतलब वो तो चलो क्वालिफाइड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट है, पर क्या तुम्हारी औकात है रेमुनरेशन पे करने की लॉस में, यह भी चीज तुमको देखनी पड़ेगी। काय के इसमें बोले एक बाजू से बी में, तो इस चीज के लिए कंडीशन नंबर बी के अंदर याद रखना, रेमुनरेशन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। अब इफेक्टिव कैपिटल के अंदर छह चीजें ऐड होती है, तीन चीजें लेस होती है, ठीक है, छह ऐड तीन लेस, याद रखना, छह ऐड तीन लेस, छह ऐड तीन लेस, कौन सी छह? लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हमको चाहिए, औकात के लिए लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी चाहिए ना, क्योंकि रेमुनरेशन एक साल के लिए पे कर रहे हो, और वो भी 5% और नेट प्रॉफिट से, जितना एटलीस्ट लॉस में दे रहे हैं ना, तो भले ही 5% ही देंगे, थोड़ा कम देंगे पर देंगे तो सही। सो पूरे साल भर का रेमुनरेशन, इसलिए लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। सबसे बड़ा पेडअप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पेडअप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो शेयर होल्डर्स वाला कंटेंट हो गया, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर होल्डर वाला हो गया। अब डेट वाला ऐड करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म लोन, खत्म बात। पेडअप शेयर वाला मतलब इक्विटी शेयर, मतलब जो शेयर कैपिटल वाले हैं उनका पेडअप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लोन वाला, डेट वाला, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये छह चीजों को ऐड करो, इससे आपका इफेक्टिव कैपिटल बनता है। माइनस तीन चीजें, इससे इफेक्टिव कैपिटल लॉन्ग टर्म कम होता है, इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल, लिक्विडिटी कम होता है। दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कम होता है, एक्युमुलेटेड लॉसेस से ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कम होता है। तो ये दिखाता है आपकी औकात कि आप कितना पे कर सकते हो, कंसेप्ट समझ में आया। पहले इसके लिए ऐसे तीन ऑप्शन हुआ करते थे, मैं आपको अमेंडेड वाली सिचुएशन बोलता हूं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। अभी सिचुएशन सिर्फ यह है कि अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ तक है, 5 से 100 करोड़ है, 100 से 250 करोड़ और 250 करोड़ या उससे ऊपर, क्लियर है, इसमें लोअर देन ये लोअर साइड है, लोअर देन और इक्वल टू ये लोअर साइड है, कांसेप्ट समझ में आया, इतनी चीज को आपने याद रखना। अब पहले ऑप्शन में था 60 लाख अगर 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से 100 करोड़ के नीचे है 84 लाख, 100 करोड़ से 250 करोड़ के नीचे 120 लाख, 250 करोड़ या उससे ऊपर 120 लाख, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल अबाउट 250 करोड़, ये चीज को याद रखना। पर ऑप्शन टू अब ये नहीं रहा है, ऑप्शन टू को मैंने टोटली कट करके रखा है, तो ऑप्शन थ्री का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ऑप्शन थ्री का कोई सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए मैं ऑप्शन थ्री का भी कंडीशन ब्रैकेट काट दे रहा हूं। मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी ऐसे ही नोट्स दिए, ये काट के नोट्स दिए हैं, अभी जो बैचेस हुई उसके पहले के किसी के बैच है तो ये प्लीज आपने आपके बूस्टर या रेगुलर बुक के अंदर चेंज कर लेना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। और ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री के जगह पे स्ट्रेट अवे वर्डिंग आया है नो लिमिट, स्ट्रेट अवे वर्डिंग आया है नो लिमिट, मतलब सिर्फ दो चीजें। अगर आपको ऑप्शन वन में रेमुनरेशन देना है तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो तो हम अपॉइंटमेंट के वक्त ही पास करते हैं। रेमुनरेशन कमिटी का अप्रूवल ये ऑब्वियसली चाहिए, बिकॉज आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लॉस में रेमुनरेशन दे रहे हो। देर इज नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिट एक्सेट्रा इन लास्ट 30 डेज, अब ये 30 डेज वाला अमेंडमेंट नहीं रहा, इन लास्ट ईयर आपका ये कोई भी डिफॉल्ट किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है, कोई भी डिफॉल्ट किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए ये बोला है, क्योंकि अगर आपने डिबेंचर, डिपॉजिट और डेट्स के केस में डिफॉल्ट कर दिया तो इफेक्टिव कैपिटल बढ़ेगा, इफेक्टिव कैपिटल बढ़ेगा तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेमुनरेशन होगा, रेमुनरेशन बढ़ेगा इस हिसाब से तो डायरेक्टर का भी इफेक्टिव कैपिटल, इस हिसाब से डायरेक्टर का भी लोन और डेट पे ही नहीं करेंगे क्योंकि इनको ज्यादा लिमिट में रेमुनरेशन मिल रहा है, क्लियर है। सो तीन कंडीशन, जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेमुनरेशन कमिटी अप्रूवल, नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिट्स, डेट्स, ये इस लिमिट में 60 लाख 84 लाख। अच्छा, ये चीज को याद रखना है, पर डायरेक्टर पर ईयर है, पर डायरेक्टर पर ईयर, पर डायरेक्टर पर ईयर 60 लाख 84 लाख 120 लाख 120 लाख, प्लस 0.01% अबाउट 250 करोड़। अगर इससे ज्यादा देना है, नो लिमिट, विदाउट किसी लिमिट के, तो कंडीशन वन पूरी कंप्लाई करो तीनों, फिर जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आप दे सकते हो, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन 3 साल तक वैलिड रहेगा, 3 ईयर, पर 3 लॉस मेकिंग ईयर है बच्चों, 3 कंटिन्यूअस ईयर है बच्चों, लॉस मेकिंग नहीं, माय मिस्टेक, 3 कंटिन्यूअस ईयर्स है, 3 लॉस मेकिंग ईयर्स नहीं है, मतलब अगर अगले 3 साल में लॉस रहा तो ये रेजोल्यूशन पास, मतलब ये साल में लाके अगले 2 साल में लॉस रहा तो ये रेजोल्यूशन यूज हो सकता है, लेकिन अगले 2 साल में लॉस ही नहीं तो रेजोल्यूशन यूज करने का संबंध ही नहीं है, क्लियर है। इस साल लॉस है, अगले साल प्रॉफिट है, उसके अगले साल लॉस है तो ये रेजोल्यूशन अगले साल तो यूज नहीं होगा, उसके अगले साल जरूर यूज हो सकता है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन। ओके ये चीज होने के बाद में आप स्क्रीनशॉट्स निकालते रहिए। ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, ये मैंने समझा दिया। इसके बाद में रेमुनरेशन के केस में एक दो चीजें आपको एडिशनली याद रखनी है। कुछ चीजें पर एज अ परक्विजिट्स रेमुनरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, कुछ चीजें एज अ परक्विजिट रेमुनरेशन में इंक्लूड नहीं की जाती। कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती? प्रोविडेंट फंड, बोनस, ग्रेचुटी, क्लियर है? अगर ईएसआई वगैरह है तो इंक्लूड किया जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 12,000 पर चिल्ड्रन, और उसके हिसाब में दो ही चिल्ड्रन अलाउड है। उसके बाद में लीव ट्रेवल कंसेशंस, और साथ साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आपका कोई भी फैमिली अब्रॉड रहता है ऐसे सिचुएशन में तो फर्स्ट क्लास का टिकट किसी भी एयरलाइन का 2 साल में एक बार, या तो फिर इकोनॉमिक क्लास का टिकट किसी भी एयरलाइन का साल में एक बार। इस तरीके के अलाउंसेस आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके भी एडिशन में अगर आपने कभी रेमुनरेशन दे दिया, अब सेक्शन नंबर थोड़ा सा 196 को 199 को मैं यहां पे रीड कर रहा हूं, यह है 199, ये मैं रीड कर रहा हूं 197 के साथ। कभी आपने रेमुनरेशन दे दिया, बाद में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया और प्रॉफिट चेंज हो गया, चेंज है आफ्टर बैलेंस शीट डेट की वजह से, या किसी भी एंट्री की वजह से, या फ्रॉड हुआ था अकाउंटिंग पॉलिसीज को रीस्टेट करने की वजह से, तो जितना एक्सेस रेमुनरेशन है वो आप रिफंड ले सकते हो। तो सर अगर कम दिया है मैनेजरल पर्सन को तो मैनेजरल पर्सन क्लेम कर सकता है क्या? हाँ, वो क्लेम कर सकता है। जैसे आप रिफंड ले सकते हो वैसे वो क्लेम भी कर सकता है, पर नॉर्मली परसेंटेज के फॉर्म में रेमुनरेशन नहीं होता। रेमुनरेशन फिक्स होता है कि भैया 2 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, तो आपस से वो लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप रिक्लेम कर सकते हो अगर ज्यादा दिया गया है तो। ये 199 में बोला है और 197 में भी बोला हुआ है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसके भी एडिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जो अमेंडमेंट आया था, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा यहां पे बताना चाहूंगा। आ जाइए, एक कंडीशन मैनेजरियल रेमुनरेशन में ऐड की गई थी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, मैं इसको रीड करता हूं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ द ड्यूज टू एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर एज द केस में बी शॉल बी ऑब्टेन्ड बाय कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। क्लियर है? मतलब अगर आप डायरेक्टर को रेमुनरेशन दे रहे हो तो और कंपनी ने डिफॉल्ट किया है किसी भी बैंक या पीएफआई या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करने में, अगर आपने डिबेंचर रीपेमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, या किसी भी बैंक को रीपेमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट किया, या किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या किसी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने में प्रॉब्लम किया है, सिक्योर्ड क्रेडिटर बोला है जिसमें डिपॉजिट भी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा, अगर आपने इसमें कोई प्रॉब्लम किया है तो आपको उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा इस रेमुनरेशन को देने के पहले। यह डाला गया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से, तो इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, यह चीज को लिख के रखना, नोट करके रखना। इसके भी एडिशन में अगर मैं बोलूं तो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन आप सेक्शन नंबर 198 के अंदर करते हो जो बोला गया है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेमुनरेशन के केस में, व्हाट इफ कंपनी, ये बहुत स्पेशल पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इफ कंपनी टुक इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्रॉड बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर फ्रॉड करेगा इसलिए कंपनी ने इंश्योरेंस लेके रखा। आजकल फ्रॉड करना ट्रेंड है और 1,000 करोड़ के ऊपर करना है तो सबसे बड़ा ट्रेंड है, ये करना भी चाहिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आपका नाम होता है। आदरणीय परम पूजनीय स्वर्गवासी घोटाला केसरी हर्षद मेहता, ये तो इसी के जनक थे, है ना? तो फ्रॉड करना चाहिए ये लोगों का कहना है। तो अगर आपने कभी फ्रॉड किया 1,000 करोड़ के, मतलब कोई भी फ्रॉड किया और कंपनी ने आपके फ्रॉड के लिए इंश्योरेंस निकाल के रखा है, तो सवाल है इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो कंपनी का एक्सपेंडिचर है या आपका रेमुनरेशन का पार्ट बन जाएगा। मतलब कंपनी उसको एज ए ट्रीट करेगी कि आपको रेमुनरेशन दिया, या कंपनी उसको ट्रीट करेगी उसका एक्सपेंडिचर। तो ये चीज को याद रखना, अगर आपने फ्रॉड किया, मैनेजर पर्सन ने फ्रॉड किया, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, वो उसमें काउंट होगा। लेकिन अगर मैनेजर ने फ्रॉड नहीं किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने फ्रॉड, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फ्रॉड नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में उसे कंपनी का एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। यह है सेक्शन नंबर 197, सभी इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने इसके कवरअप करके रखे हैं, बचा हुआ कंटेंट आप रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो, यह होने के बाद मैंने 199 भी यहीं पे कवर कर दिया, इसके साथ में 198 आपको रीड करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, काफी इजी सेक्शन है। फिर हम जाते हैं सेक्शन नंबर 200 के ऊपर। 200 में मैक्सिमम लिमिट ऑन रेम्यूनरेशन पुट किया जा सकता है सीजी से, मैं इसको रीड करूंगा, इसको मत रीड करना, ये थोड़ा सा ओल्ड सेक्शन है, आई विल डायरेक्टली रीड इट फ्रॉम द बुक, आप इसको सिर्फ लिसन करना है, आपके पास जो भी बुक है उससे आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पुट अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द रेम्यूनरेशन फ्रॉम द परसेंटेज और द फॉर्म ऑफ द अमाउंट,
इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट और लॉस नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड फॉर फिक्सिंग अ मैक्सिमम कैप ऑन रिमुनरेशन एट द सेम टाइम जनरल मीटिंग शॉल ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके रेम्यूनरेशन के ऊपर कैप लगा सकता है और तो ऐसे सिचुएशन में वन सेकंड होल्ड. ओके, ऐसे सिचुएशन में सीजी पहले कैप लगा सकता था आपके रेम्यूनरेशन पे, पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी ये पावर दिया गया है जनरल मीटिंग को. यस, अभी ये पावर दिया गया है जनरल मीटिंग को कि जब जनरल मीटिंग मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ये अलाउ करता है तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम कैप लगा सकता है कि आप कितना रेम्यूनरेशन ले सकते हो. ठीक है, हमारे बुक में सिर्फ एक छोटा सा ये हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी कैन फिक्स अ लिमिट बोला गया है. तो बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन था कि सर सीजी पुट करेगा या जनरल मीटिंग पुट करेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिक्टेट कर दूं तो आपकी आसानी हो जाएगी समझने में. बड़े अच्छे से सुनना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा समय देते हैं. देखो बेटा, जनरल मीटिंग के पास तो इनबिल्ट पावर होता ही है किसी भी रेमुनरेशन के ऊपर कैप लगाने का. जनरल मीटिंग के पास होता ही है, जब आप डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो प्रैक्टिकली आप कैप लगाते ही हो कि ये डायरेक्टर को दे दे के मैक्सिमम इतना रेमुनरेशन देंगे, ये कैप ही हुआ. पर इसके एडिशन में इसका मतलब ये नहीं है कि सीजी के पास ये पावर नहीं है. भले ही यहां पे इन्होंने अमेंडमेंट लाया होगा या बेरेटेक्स में या किसी भी पब्लिकेशन में, हो सकता है किसी पब्लिकेशन में अलग चीज लिखे हो, पर यह चीज को याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हर लॉ में पावर होता है कि वो लॉ के किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकता है, उसके लिए रूल बना सकता है. तो अगर जनरल मीटिंग मैक्सिमम कैप लगा रही है रेमुनरेशन के ऊपर तो इससे सीजी का पावर छिन नहीं जाएगा. सीजी के पास भी पावर है कि वो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, वो केसेस को देखते हुए, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए या किसी भी तरीके से डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन को देखते हुए, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए उसके रेमुनरेशन के ऊपर कैप लगा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने सिर्फ फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई, पब्लिक से पैसा ले लिया और खुद को बड़े पैमाने पर रेमुनरेशन दे रहे हैं जब उनकी कैपेसिटी नहीं है, जब वो फ्रॉडलेंट है और जब वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस भी नहीं है. अब सीजी को पता चला कि पब्लिक का पैसा जाया जा रहा है डायरेक्टर्स के रेमुनरेशन में, तो सीजी ऐसे केसेस में कैप डिक्लेयर कर सकता है. तो जनरल मीटिंग के पास तो कैप लगाने का पावर है ही, पर इसका मतलब यह नहीं है कि सीजी से यह कैप छिन जाएगा. अगर आपने कहीं पब्लिकेशन से पढ़ा है या किसी दूसरे बुक से पढ़ा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि थोड़े बहुत इंटरप्रिटेशन इस केस में डिस्प्यूटेड आएंगे, अलग अलग आएंगे. तो जिस ऑथर से आपने पढ़ा है आप उसका मान सकते हो. मैं नहीं चाहता कि उस केस में अभी एग्जाम के पहले आप इसको चेंज करो, जो भी लगता है, लेकिन बताने का काम लॉजिकली मेरा था, वो मैंने कर दिया. कंसेप्ट समझ में, लॉजिक पसंद आया, रखो नहीं कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, सो यह है सेक्शन नंबर 200. सेक्शन नंबर 200 के बाद 201 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जिसके अंदर हम फॉर्म नंबर MR2 में 90 डेज के अंदर सीजी अप्रूवल लेते थे. सेक्शन नंबर 196 में 201 के बाद आता है 202, कंपेंसेशन टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. बड़ा ही शानदार सेक्शन है, कैलकुलेशन वाला सेक्शन है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना. आ जाइए बोर्ड के ऊपर, काफी अच्छे से ध्यान देना. चलो डन. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 202. सेक्शन नंबर 202 इज कंपेंसेशन टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस. तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से. ठीक है, ध्यान देना. सेक्शन 202 कंपेंसेशन टू ईडी फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस. ये कंपेंसेशन हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को प्री मैच्योर टर्मिनेशन के लिए देते हैं. अगर हमने उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया है तो हम, हो सकता है कि उसको भैया 1-2 साल में ही हकाल दे तो हम उसको कंपेंसेशन दे. लेकिन एक बात याद रखना, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की खुद की गलती है तो हम उसको कंपेंसेशन नहीं देंगे. अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की खुद की गलती नहीं है और हम उसको वॉलेंटरी रिमूव कर रहे हैं तो हम उसको कंपेंसेशन देंगे. अब कौन कौन से केसेस में ऐसा बोला जाता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की गलती है, तो केसेस देखना. सबसे पहला, कंपनी का अमलगमेशन होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को. अमलगमेटेड कंपनी में भी सेम सिचुएशन और सेम डायरेक्टरशिप मिलती है पर फिर भी वो रिजाइन कर देता है बिकॉज ऑफ अमलगमेशन, तो कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा. अगर वो रिजाइन करता है वॉलेंटरीली, एवे ही रिजाइन कर दिया, चल रहा है बिजनेस बीच में रिजाइन कर दिया, तो भी नहीं दिया जाएगा. 167 में वैकेशन के केसेस लगते हैं तो भी नहीं दिया जाएगा. कंपनी वाउंड अप हो रही है और वाइंडिंग अप के पीछे का रीजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो भी नहीं दिया जाएगा, उससे तो उल्टा कंपनसेशन लेना चाहिए नालायक से. क्लियर है कंसेप्ट? डायरेक्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. फ्रॉड कर दिया कंपनी में तो क्या कंपनसेशन दोगे? उल्टा लोगे आप उससे. और आखिरी, ही हैज इंस्टिगेटेड एनी सिचुएशन जिससे उसको रिमूव करना पड़ा. हर रोज कंपनी में आता था, काम नहीं करता था, पान खा के आता था, इधर उधर थूकता था, लोगों को छेड़ता था, परेशान करता था, ऐसा डायरेक्टर चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए. तो अगर इसको रिमूव कर दिया तो हम कंपनसेशन नहीं देंगे. अब ये छोड़ के अगर बाकी कोई केस है, ये छोड़ के अगर बाकी कोई केस है तो हम उसको कंपेंसेशन देंगे, जरूर देंगे. कितना कंपेंसेशन देंगे? तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं.
एवरेज रेमुनरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेसिडुअल पीरियड, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इज इक्वल टू एवरेज रेमुनरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेसिडुअल पीरियड. एवरेज रेमुनरेशन मतलब जितने साल वर्क किया है, या तो फिर 3 साल, अगर 3 साल से ज्यादा वर्क किया तो सिर्फ 3 साल, 3 साल से कम किया है जितने साल वर्क किया, जितने साल वर्क किया या 3 साल, व्हिचएवर इज लोअर, जो पीरियड है इसका एवरेज रेमुनरेशन. क्लियर है आंसर? देखो मैं जब बोलता हूं व्हिचएवर इज लोअर का पीरियड का एवरेज रेमुनरेशन, बच्चे क्या करते हैं 3 साल का रेमुनरेशन निकालते हैं, फिर जो पीरियड वर्क किया है उसका रेमुनरेशन निकालते हैं, फिर दोनों का एवरेज लेते हैं, वो रेमुनरेशन का लोअर लेते हैं ना, पीरियड का लोअर लो और फिर उसका एवरेज निकालो. क्लियर है आंसर? ये चीज को याद रखना. और दूसरा रेसिडुअल पीरियड, जितने साल बचे हैं या तो फिर 3 साल, अगर 4 साल बचे तो हम 3 साल लेंगे, व्हिचएवर इज लोअर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज योर कंपेंसेशन. इतना आसानी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेते, एक क्या अच्छा एग्जांपल लेते समझ में आएगा. अगर हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया, पहले साल का रेमुनरेशन 5 लाख, दूसरे साल का रेमुनरेशन 10 लाख, तीसरे साल का 15 लाख, चौथे साल का 20, पांचवे साल का 25, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, याद रखना. हमने उसको रिमूव कर दिया फर्स्ट ईयर के बाद, रेसिडुअल पीरियड बचा है 4 साल या 3 साल, व्हिचएवर इज लोअर तो हम लेंगे 3 साल. एवरेज रेमुनरेशन, एक ही साल काम किया है या 3 साल, व्हिचएवर इज लोअर तो एक ही साल हम लेंगे, तो एक साल का एवरेज रेमुनरेशन 5 लाख, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेसिडुअल पीरियड दैट इज 3 इयर्स, व्हिचएवर इज लोअर वाला, तो आपका रेमुनरेशन आ जाएगा, आपका कंपनसेशन आएगा 15 लाख. क्लियर है आंसर? दूसरा सेकंड ईयर के बाद निकाल दिया, 3 साल 3 साल एक ही आएगा, कोई भी 3 साल ले लो. अब 5 लाख प्लस 10 लाख, पहले 2 साल का रेमुनरेशन, बिकॉज एवरेज रेमुनरेशन लेना है, 2 साल का रेमुनरेशन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपका कंपेंसेशन हुआ 22.5 लाख, 22.5 लाख. क्लियर है? इफ यू रिमूव हिम आफ्टर थर्ड ईयर, तो ऐसे सिचुएशन में 2 इयर्स और 3 इयर्स, व्हिचएवर इज लोअर, 2 साल या 3 साल, व्हिचएवर इज लोअर, तो यहां पे 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख, टोटल कितना हुआ ये, दैट इज 45 लाख, सॉरी 30 लाख डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 लाख कंपेंसेशन. 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय यहां पे 2 इयर्स लेंगे, बिकॉज व्हिचएवर इज लोअर है, व्हिचएवर इज लोअर है, तो यहां पे कंपेंसेशन दिया जाएगा 20 लाख. अगर आपने उसको रिमूव कर दिया 4 साल बाद, 4 साल बाद रिमूव किया है और उसके पास बचा है 1 साल या 3 साल, व्हिचएवर इज लोअर फॉर रेसिडुअल पीरियड, तो 1 साल. क्लियर है कंसेप्ट? और 4 साल काम किया है तो एवरेज रेमुनरेशन हम सिर्फ 3 साल का लेंगे. 3 साल कौन से? पहले 3 साल, लेटेस्ट वाले 3 साल, तो याद रखना लेटेस्ट वाला रेमुनरेशन लेना पड़ता है, लेटेस्ट वाला रेमुनरेशन, तो लास्ट 3 इयर्स का 5, 10, 15, 20, तो हम लेंगे 10, 15, 20, 5 को हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ 3 साल का ही एवरेज रेमुनरेशन लेना है. सो 10, 15, 20 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर का कंपेंसेशन इज इक्वल टू 15 लाख. क्लियर है? अब कुछ अजीब वाला एग्जांपल, 2 इयर्स और 7 मंथ्स अगर उसने वर्क किया, 2 इयर्स और 7 मंथ्स, तो उसने एक्चुअली वर्क किया है 2.58 इयर्स, 2.58, साल में 12 महीने होते हैं उसके हिसाब से 2.58 इयर्स उसने वर्क किया है, तो उसका रिमेनिंग पीरियड है 2.42 इयर्स और 3 इयर्स, व्हिचएवर इज लोअर, तो 2.42, मतलब 2.42 से मल्टीप्लाई करना है. अब 2 इयर्स 7 मंथ्स का एवरेज रेमुनरेशन, तो 2 साल का पूरा 5 लाख प्लस 10 लाख, तीसरे साल का 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7 महीने डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, क्योंकि साथ ही मैंने वर्क किया है, एंटायरली डिवाइडेड बाय 2 साल प्लस 7/12, क्योंकि साथ ही मैंने वर्क किया है. क्लियर है? तो ये आता है 23.75 टोटल एवरेज, 2 साल 7 महीने का रेमुनरेशन डिवाइडेड बाय 2.58, तो यही है. क्लियर है? इज इक्वल टू एवरेज रेमुनरेशन 9.20 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ईयर वर्स 2.42 इज इक्वल टू योर कंपेंसेशन 22.23 लाख. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना, 2 इयर्स 7 मंथ लास्ट. अब ये समझ में नहीं आएगा इसलिए इसको रिवर्स कर करके देखना, बार बार नहीं बता पाएंगे, वन रिवीजन है. लास्ट वाला 3 इयर्स 165 डेज अगर है, तो ऐसे सिचुएशन में लेटेस्ट वाली ईयर का रेमुनरेशन, अब इसका कैलकुलेशन काफी मुश्किल है तो जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, बचा कितना, 1 साल 200 दिन बचे है, क्योंकि आपने 3 साल 165 दिन काम कर लिया, तो 1 साल 200 दिन बचे, विच इज 1.54, और 3 व्हिचएवर इज लोअर, तो 1.54. अब देखो एवरेज रेमुनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, देखना आपने 3 साल 165 दिन काम किया है, आपको सिर्फ 3 साल का एवरेज रेमुनरेशन लेना है, सिर्फ 3 साल का, वो भी लेटेस्ट वाले 3 साल, मतलब ये लेटेस्ट वाले 3 साल में जो 165 दिन लास्ट आपने वर्क किया इंक्लूड होंगे, तो मैं सबसे एंड में पहले लिखता हूं 165 डेज, और ये चौथा साल था, तो चौथे साल का रेमुनरेशन मल्टीप्लाइड बाय 20, चौथे साल का रेमुनरेशन 20 था, और 165 डेज डिवाइडेड बाय 365, ये हुआ चौथे साल का रेमुनरेशन 165 डेज का. क्लियर है? प्लस तीसरे साल का पूरा रेमुनरेशन 15, प्लस दूसरे साल का पूरा रेमुनरेशन 10, और आपने यहां से 165 डेज वर्क किया है, कितने डेज वर्क किया है, सिर्फ 165. व्हाट अबाउट रिमेनिंग 200 डेज, क्योंकि 3 साल तो हमें पूरे चाहिए, 3 साल पूरे चाहिए, तो फिर पहले साल का 200 डेज मल्टी डिवाइडेड बाय 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, एंड दिस एंटायर सिनेरियो इज डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमको 3 साल का एवरेज रेमुनरेशन लेना है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना. क्लियर है? अब ये जो फिगर आता है दैट इज आता है 12.23 लाख, 12.23 लाख,
और 12.23 लाख के बाद में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 1.54 से, 12.23 मल्टीप्लाइड बाय 1.54, तो आपका कंपेंसेशन आएगा 18.83 लाख। क्लियर है? इस तरीके से आपने पूरा का पूरा सिचुएशन सॉल्व करना है, ये चीज को याद रखना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। कैसा लगा जरूर बताना, गो फॉर इट फास्ट। अमेंडमेंट लेक्चर में श्रेया 200 हमने कवर किया है, प्लीज अमेंडमेंट लेक्चर देखिए पिछले। चलो डन, ये वाला पूछा जा सकता है बच्चों, ये वाला जरूर पूछा जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। और खास करके वो कौन सा पूछेंगे, नीचे के दो वाले, ठीक है? मतलब नीचे वाला तो उनका फेवरेट है अगर पूछा गया तो, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना, अगर ये पूछ लिया तो सॉल्व करने वाले सिर्फ आप ही रहोगे, ठीक है? चलो ये चीज होने के बाद में अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। फिर 203 जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन था वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। 203 वोल्ट टाइम के मैनेजर पर्सन 196 के साथ हमने क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में ही लिया था, ये पार्ट नंबर 6 के अंदर कवर किया होगा, ठीक है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखना अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन का पार्ट कौन सा है। चलो ये होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी। पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी है, तो पब्लिक कंपनी के सिचुएशंस के अंदर लिस्टेड कंपनी, पेड अप कैपिटल 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़, सेक्शन 204 है ये, और अदर्स। क्लियर है? तो इन सिचुएशन में आपको कंपल्सरीली एक कंपनी सेक्रेटरी लगेगा बच्चों। ये सिचुएशन में आपको किसी की कोई भी जरूरत नहीं, आई इंडिपेंडेंट लिखा है उसको मैं कट कर देता हूं, कंपनी सेक्रेटरी नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पे आपको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है, और ये सेक्रेटरियल ऑडिट का रिपोर्ट आप अल्टीमेटली सबमिट कर सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो अल्टीमेटली इसको सबमिट करेंगे जनरल मीटिंग में। इसके एडिशन में सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर ये चीज बोली गई है कि सेक्रेटरियल ऑडिट के वजह से ड्यूटी कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा एज पर ICSI, और ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो कंपनी सेक्रेटरी को कोऑपरेट करे उसके ऑडिट के अंदर। अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी मेंशन करके रखी हुई है, वो पेनल्टी लगेगी, दैट इज 1 लाख टू 5 लाख। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बोले है 205 के अंदर, जिसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन बोले किस तरीके से वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट करेगा, ड्यूटीज उसके प्रिस्क्राइब करके रखे हैं, उसने खुद के ड्यूटीज कंप्लाई करने हैं, उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना है, एक्ट और रूल्स के हिसाब से ऑडिट करना है। क्लियर है कांसेप्ट? उसके नीचे बोला है जिसके वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फंक्शन के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, ये मैं ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में बोला हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद का काम करता रहेगा लेकिन बोर्ड सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी को भी कोऑपरेट करेगा, ये चीज को याद रखना है। यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है मैनेजरियल पर्सन एंड हिज रेम्यूनरेशन, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ये स्ट्रीम हम अब, ये लेक्चर बहुत ही जल्दी खत्म हो गया है, ठीक है? ये स्ट्रीम हम अभी बंद करेंगे, ठीक है? और इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर नई स्ट्रीम शुरू करेंगे, तो कहीं मत जाना, इमीडिएटली हम सेबी और सिकरा का रिवीजन शुरू करने वाले हैं, ठीक है? कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। ऑर्डर ऑफ प्रिपेयरिंग चैप्टर ऑफ लॉ एंड ऑडिट, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, सेकंड इकोनॉमिक लॉ एंड देन मिसलेनियस टॉपिक्स बेटा, और लिख के देखना, सिर्फ पढ़ के नहीं होगा। मेरा क्वेश्चनर अगर आपके पास है 650 प्लस क्वेश्चन है, ये चीज मैं बोल दूं, जिसने मेरा क्वेश्चनर 650 क्वेश्चन है, 400 पेजेस का क्वेश्चन है, जिसने वो एक बार पूरा पढ़ लिया या लिख के देखा, पढ़ लिया तो अच्छी बात है, लिख के देखा तो तूफान बात है, 75 से 80 मार्क का पेपर देखा हुआ आएगा। इतने क्वेश्चन है उसके अंदर, इतने हैं, परेशान हो जाओगे, पूरे इंडिया में इतने क्वेश्चन कहीं नहीं है बेटा। 650 के आसपास क्वेश्चन रखे हमने उसके ऊपर, ठीक है? सो प्लीज डू इट। और किसी के पास नहीं होगा तो मेरे स्टूडेंट से जेरोक्स करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे तो अवेलेबल है वीस्मार्ट के वेबसाइट के ऊपर, आपको डिजिटल फॉर्म में अभी मिलना अवेलेबल है, सो यू कैन ऑल्सो परचेज दैट। भानु प्रताप सिंह, एग्जाम कैंसिल वैंसिल नहीं हो सकते? देखो मेरे को एक चीज, मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो डाला था, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे क्या, एग्जाम कैंसिल होंगे क्या। मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना, ICAI जो करेगा वो करेगा। मुझे एक बात बताओ बच्चों, CA बनने के लिए, जल्दी CA बनने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है? पढ़ना, आप पढ़िए, जो होगा एग्जाम का वो देखेंगे। मेरा जून 2009 का एग्जाम था,
उस वक्त इलेक्शन था, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि 1 महीने से एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए। हम ये बोल रहे थे जितने जल्दी सीए बनेंगे उतने जल्दी, बेटा बिजनेस करना है आगे, पैसा कमाना है। हर एक महीना आप डिले करते जाओगे तो किस तरीके से, 1 महीने का लॉस, ये नियरली आप समझ नहीं रहे, 1 महीने का लॉस। अगर आप देखो 10-12 लाख का पैकेज लोगे तो 1 महीने का लॉस मतलब 1 लाख रुपए का लॉस है। थोड़ा सोचो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे 5 साल, ठीक है, अगर 1 साल 1 महीने का लॉस, 1 साल का लॉस, अपर 1-1 लाख रुपए लेके जाते हो तो कितना प्रॉब्लम होगा। सर अगर मैं फेल हो गया 6 महीने हो गया तो भगवान, अभी भगवान ही बचाए फिर क्या बोले। पर ये आप एक्सपेक्ट ना कीजिए, ये आपका ड्यूटी नहीं है, आपका धर्म है स्टूडेंट, आप पढ़िए। एग्जाम पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा, वो उनकी दिक्कत है, ठीक है, आपने समय से पढ़ना चाहिए, ये आपका ड्यूटी है, ये चीज को याद रखना। सही करके बोल रहा हूँ, नहीं पसंद आया तो भी अब मैं कुछ कर नहीं सकता। लास्ट टाइम भी वीडियो डाला था तभी भी फिर उसके बाद मेरे को मोटिवेशन देना पड़ा कि भाई क्या सही है क्या गलत है इसका। पर आप 18 साल के ऊपर, आपको समझ में आना चाहिए व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। चल सिर्फ भानु नहीं, एवरीवन, एवरीबडी प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। चलो हो गया, ओके। सो मैं यहाँ पे स्ट्रीम कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा, मैनेजर रेमुनरेशन की। 5 मिनट्स के अंदर नया स्ट्रीम रिलीज हो जाएगा, ठीक है, आप उसके ऊपर लाइव रहेगा। सेवी और सकरा हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।